देख रहे हैं आप लोग कैसे ये लोग बच्चे लोग जुगाड़ करके पन्नी ओढ़ करके, और इधर देखो ये छोटा वाला कैसे इंडियन जुगाड़ लगा करके चाचा से आज बिक्री कैसा हो? चाचा आज का बिक्री कैसा था? अरे अभी तो अब चले आ रहे हैं, एकदम अभी आए हो? अभी आ रहे हैं, खाली एक जगह दवा भर दिया है बस। तो तुम मतलब बोनी होनी हो गई? हाँ दवा की तो बोनी करी है। कपड़ा पड़ा की? कपड़ा की भी बोनी कहाँ हुई। तो आप मतलब क्या क्या बेचते, क्या क्या बेचते हैं? खाली साड़ी साया भर रही का क्या दिक्कत है? अरे पैसे ना तो डाल लो, मौका मिले चुरा लो गजरन के बाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी तरफ से सभी भाई बहनों को, देखने वालों को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि देख रहे हैं मैं गांव के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है, एक चाची लोग अपने लिए सामान वामान देख रहे हैं, कोई साड़ी देख रहा है, कोई दुपट्टा देख रहा है। और इधर देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ, यहाँ पर चाची अपने बिटिया के लिए टीशर्ट उशर्ट देख रही हैं। देख सकते हैं बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो शायद हो सकता है मेरा बोहनी हो जाएगा, और जो जो भी मेरा बोहनी कराएगा उनको मैं थोड़ा कम दाम में दूंगा, ताकि वो दोबारा मुझसे ले सके और मेरा हमेशा बोहनी करवा सके। उन लोग के प्यार से, उन लोग के दुआ से मेरा बिक्री होता है, तो उन लोग का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में, अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि कितने लोग क्या क्या लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी है, इधर नन्ने मुन्ने राही देखो खड़े हैं तीन चार। तो ए मारो ना यार, तुम तो लड़ाई करते, सुबह सुबह ये लोग झगड़ा उगड़ा करने लगते हो। देख सकते इधर चाची हैं, अभी लगता सो के उठी है, बहुत उदास हैं, हंस नहीं रही, देखो हंस दी है मेरी बात को सुन करके। तो यहाँ पर सब लोग लेंगे, देख सकते हैं छोटे छोटे भाई लोग हैं इधर, और इधर देख लीजिए चाचा लोग हैं बहुत सारे, अपने बिटिया के लिए देखो ले रहे हैं टी शर्ट। कौन से पसंद की हो, नहीं पसंद की हो? कोटीदार नहीं अच्छी होती है, देख ये वाली टी शर्ट बढ़िया, गर्मी में पहनने के लिए एकदम एक नंबर रहता है। इधर दादी देखो आ रही हैं धीरे धीरे ठुमुक ठुमुक के, आप देखो कुछ लेती हैं कि नहीं लेती हैं, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं सब लोग तो आ रही हैं, अभी खुशी का माहौल देख रहा है। मैं एक और स्टॉप पे आया हूँ, यहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी है और गली से एकदम सुनसान देख रहा है, इधर चारों तरफ कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन चाची जी देख लीजिए ये मुझे आवाज़ दी और अपने बच्चे के लिए दो लोअर लिए, तो इनका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इधर भी एक भाई साहब अपने लिए टीशर्ट उशर्ट ढूंढ रहे हैं और लेंगे। चाची तुम कुछ ना लो, का दिक्कत है? अरे पैसे ना तो डाल लो, मौका मिले चुरा लो गजरन के भाव लो। अरे आज कल वो परसों तीरु चौरस जब देखो तो तब पैसा दे दियो। तो देख सकते चाची हमारी जो है ले चुकी हैं, तो इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चाची हमेशा हमसे कपड़े लेती हैं, इनको हम उधार नगद सब कुछ दे देते हैं, बहुत व्यवहार है, हमेशा मुझे बच्चा बच्चा करती रहती है और हमेशा हमसे कपड़ा वपड़ा लेती रहती है। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में, देख सकते हैं एक भाई डीजल कंपनी के मस्त टीशर्ट लिए हुए हैं और इनको हम इतने बहुत कम में देने वाले हैं, ताकि दोबारा फिर हमारे पास आ सके और हमसे कम दाम में ले सके। तो चाय पी रहा है कि पानी, इधर देख लो एक बार, कितनी समय 11-12 का टाइम पर चाय पी रहे हो तुम, चाय पी रहे हो, चाय बेच रहे हो ट्रेन में। तो देख सकते हैं बहुत मजाकी आदमी है, ऐसा चाय चाय आवाज़ दिए हैं, समझ लो जैसे लग रहा है कि एकदम ट्रेन में कोई चाय बेचने वाला हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खुश हैं, अभी काम वाम करके सब लोग आए हैं, तो अभी नाश्ता वास्ता कर रहे हैं, चाय उसके बाद जाना है काम पर। देख सकते हैं मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड और अच्छे अच्छे टीशर्ट हैं, तो जिन भाई बहनों को चाहिए तो प्लीज़ मुझे संपर्क करिएगा। और मेरे वीडियो जो अभी नए मेरे वीडियो पर आए, तो प्लीज़ भाई चोरी चोरी वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, और जो नए आए तो भाई प्लीज़ हाथ जोड़ करके बिनती मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बन रही है मेरे वीडियो पर, जाऊंगा नेक्स्ट स्टॉप पर और आपको दिखाऊंगा फनी फनी देख रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक स्टॉप पे आया हूँ, तो मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और ये भाई साहब देख लीजिए अपने लिए लोअर ओवर ले रहे हैं। इधर देख लीजिएगा बहुत सारे बहन लोग हैं, हमेशा कपड़ा वपड़ा लेते रहे, तो इन लोग का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कौन सा पसंद किया चाचा? यही वाला कलर, हरा कलर, एक नंबर, सावन का महीना हरा हरा सही है, एक नंबर। देख सकते हैं यहाँ पर चाचा अपने लिए पसंद कर रहे हैं, इधर कुलदीप भाई हैं शर्ट वर्ट ले रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो पर और मैं जाऊँगा आपको नेक्स्ट स्टॉप पर दिखाता हूँ। आज मेरा खास ज़्यादा बिक्री भी नहीं हुआ क्योंकि इतनी समय 12-1 का टाइम हो गया है, भूख भी बहुत तेज लगी, लेकिन क्या है आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए तो भाई रुकना ही पड़ेगा क्योंकि आज मेरा वीडियो कम्प्लीट नहीं हुआ। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, तो यहाँ पर देर से आया हूँ, अभी अभी एकदम जस्ट आया हूँ, धूप इतनी तेज़ है, देख सकते कितना धूप लग रहा है। और लेकिन क्या है भैया, बेचना तो है ही है, अगर आज कमाएंगे ना तो आज घर में खाना वाना मिलेगा नहीं, ना तो खाना बनेगा। तो बस आप लोग का प्यार है भैया, आप लोग प्यार अपना दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हम आगे जाएंगे स्टॉप पर और आपको अच्छा अच्छा दिखाएंगे और बनाएंगे। आ चुके एक नया गांव पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं हमको, इतने सारे लोग आए तो मैं इन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि इतने सारे लोग यहाँ पर मेरे गाड़ी पर आए हुए हैं। तो भाई साहब कोई सबकी अपनी अपनी डिमांड है, कोई टी शर्ट मांग रहा है, कोई लोअर मांग रहा है, कोई अपनी बिट्टी के लिए कपड़ा लेना चाहता है, कोई अपनी बहन के लिए कुछ लेना चाहता है। तो भाई लगे मेरे वीडियो में आज मैं दिखाने वाला हूँ, तो बहुत देने वाला हूँ मैं सस्ता। तो यहाँ पर देख सकते हैं चाचा जी हैं मेरे, खास वाले चाचा हैं और हमेशा आप देख सकते हैं इनको एक दो
वीडियो में आप देख भी चुके होंगे। तो आज हम जानेंगे चाचा से कि आज की चाचा मेरे बिक्री कितना हुआ है, क्योंकि इस समय कोई गांव में मिल नहीं रहा, सब धान लगाने चले जाते हैं तो इस समय नहीं बिक्री हो रहा, सब उदास चले। इस समय मेरा भी बिक्री नहीं हुआ है क्योंकि टाइम बहुत हो गया, आज मैं 6-7 गाँव गए हूँ लेकिन मेरा बिक्री नहीं हुआ। तो आइए जानते हैं चाचा से आज बिक्री कैसा हुआ। चाचा आज का बिक्री कैसा था? अभी तो अभी चले आ रहे हैं, एकदम अभी अभी आए हो? अभी आ रहे हैं, खाली एक जगह दवा भर दिया है बस। तो मतलब बोनी होनी हो गई? दवा की तो बोनी करी है। कपड़ा वपड़ा की? कपड़ा की भी बोनी कहाँ हुई। तो आप मतलब क्या क्या बेचते, क्या क्या बेचते हैं? खाली साड़ी साया भर रही था, साड़ी साया और दवा। तो भाई साहब जहाँ पे चाचा दिखे तो इनसे साड़ी साया और दवा जरूर लीजिएगा चाचा, क्योंकि हम लोग कह रहे थे फेरी करके हम अपना घर चलाते हैं, सारा दिन घूमते रहते हैं, उसके बाद जब पैसा कमाते तभी घर चलता। अगर मान लीजिए बिक्री नहीं होती तो हम लोग के घर में चूल्हा भी नहीं जलता, सोच लीजिए कि हम कितना मेहनत करते हैं गाइस। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिएगा, हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और जो हमारे वीडियो पर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चाचा साड़ी कितने कितने रेट की रखते हैं आप? हमारे पास केवल 100 रुपये की साड़ी, 100 रुपये साड़ी। तो जैसे कि देख सकते हैं साड़ी की डिजाइन देख लीजिए, एक से एक महंगी महंगी साड़ी इनके पास चाचा के पास रखी हुई है, जिनका रेट है सिर्फ 100 रुपये ओनली 100 रुपये। एकदम मान लीजिए रस्ते का माल एकदम सस्ते में आ चुका है। तो यहाँ पर पेटीकोट भी लगे हुए, एकदम प्योर कॉटन का पेटीकोट है। पेटीकोट का क्या रेट है चाचा? 50 रुपये। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेटीकोट का रेट एकदम 50 रुपये है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, तो यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग हैं इधर लेंगे। तो चाचा टी शर्ट पसंद करो? चाचा टी शर्ट पसंद आया आपको? जरा देखो, एक टीशर्ट खोल उल के देखो तो पसंद आएगा आप लोग को, तो देख लीजिएगा, ले लीजिएगा। तो यहाँ पर चाचा लोग टीशर्ट देख रहे हैं तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, मैं बताने वाला हूँ लास्ट में, बताऊंगा कि चाचा ने मेरी टीशर्ट लिया है, मेरा बिक्री करवाया या नहीं करवाया है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने बताया था चाचा क्या क्या लेंगे, तो हम आपको बताने वाले हैं। तो चाचा ने अपने बहुआ के लिए, अपने बेटे के लिए एक लिया है लोअर, और अपने बिटिया के लिए एक जींस लिया है, एक टॉप लिया हुआ है। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं चाचा से कि हमेशा मैं आपके गाँव आया करूँगा अब, क्योंकि पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ। तो अब जब आया करूँगा तो इनको मैं बहुत कम दाम में और अच्छा चीज़ दूँगा ताकि दोबारा मेरे पास आएँ फिर मुझसे ले सकें। इसलिए मैं सोचूँगा कि मुझसे कितना खुश रहें, मैं उनको इम्प्रेस कर सकूँ कि मैं कितना अच्छा सामान दे सकूँ, ताकि ये दोबारा हमसे आकर ले सकते। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, मैं जाने वाला हूँ नेक्स्ट घर। और जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे लोग यहाँ भीगते हुए आए हैं, बारिश है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही, तो सब स्कूली बच्चे यहाँ पे रुके हुए हैं। तो और बच्चे लोग स्कूल आज जा नहीं पाएंगे लगता है। और ये काजल है और इधर बैठे हुए, दुकान इधर खुली हुई है। तो बारिश देख लीजिए गैस कैसा, इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है कि कोई भी स्कूल भी नहीं जा पा रहा, कोई काम वाम पे कहीं नहीं जा पा रहा है, कोई दिख ही नहीं रहा है, इतना तेज़ बारिश हो रहा है। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में, देखते हैं क्या होता है आज। देख रहे हैं आप लोग कैसे ये लोग बच्चे लोग जुगाड़ करके पन्नी ओढ़ करके, और इधर देखो ये छोटा वाला कैसे इंडियन जुगाड़ लगा करके जा रहा हुआ स्कूल। और ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान है बारिश से, स्कूल इसको नहीं जा पा रहे हैं। तो कैसे अपने आप को ढके हुए हैं बारिश से बचने के लिए, देख लीजिए। छाता भी नहीं, लोग गरीब लोग हैं तो इनके पास छाता वाता नहीं रहता, तो पन्नी मिल जाता है तो पन्नी से ही अपने आप को ढक लेते हैं। देख लीजिए कैसे ये लोग जा रहे हैं अपने आप पे स्कूल, और बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं, बारिश में कैसे परेशानी होती है इनको। तो ये सब लोग अब जा रहे हैं स्कूल, देखते हैं लोग कैसे अपना अपना जुगाड़ करके जा रहे हैं बेचारे स्कूल, दूर पड़ता है तो कैसे पन्नी को अपने आप को ढके हुए बारिश।